ओके अब देखिए जैसा इसका नाम है विशेषण। अब देखो अपन उस दिन बहस कर रहे थे ना सर इस अक्षर में कौन सी संज्ञा आएगी। अब जब उस अक्षर में संज्ञा है ही नहीं तो आएगी कहां से संज्ञा। फिर भी अपन ने कहा था कि नहीं यार अभी विशेषण नहीं पढ़ा तो हम मान लेते हैं कि आपकी जातिवाचक संज्ञा, मैंने कहा था आपसे। लेकिन बेटा देखो हिंदी पढ़ने में यही बात है, जो चीजें संज्ञा की हैं वहां आप संज्ञा डिफाइन कर पाओगे, जो चीजें विशेषण की हैं वहां आप विशेषण डिफाइन करोगे। अब विशेषण का वर्ड जबरदस्ती कहां डालोगे संज्ञा, तो उसका आंसर नहीं आएगा। हमारी बात समझ रहे हो? तो हमने ये कहां कहा था आपसे, संज्ञा में कहा था, याद है आपको? कई सारे बच्चे सोचने लगते हैं अरे सर बता नहीं रहे हैं या सर से बन नहीं रहा है इसलिए सर ने इसका आंसर नहीं बताया। हर चीज का माजरा अलग, जैसे अभी आपने संधि पढ़ा था, कोई वर्ड संधि का है तो उसमें संधि पूछो, कोई समास का है समास का पूछो, कोई शब्द प्रत्यय उपसर्ग का है तो प्रत्यय उपसर्ग पूछो, क्योंकि शब्द केवल संधि से नहीं बनते, संधि से बनते, समास से बनते, प्रत्यय से बनते, उपसर्ग से बनते हैं, बनते हैं ना, अलग अलग माजरा है। देखें आप, अब ये विशेषण जैसा इसका नाम है विशेषण, ऐसा शब्द जो किसी का नाम ना हो। देखो जरा पहले ध्यान रखना, क्योंकि नाम होगा तो संज्ञा, कि दुनिया में किसी चीज का नाम होगा तो संज्ञा, संज्ञा की जगह आ जाएगा तो ठीक है, अगर घटना दर्शाएगा तो क्रिया। तो हमें ऐसा वर्ड देखना है जो किसी का नाम नहीं है, नाम की जगह नहीं है और वो काम भी नहीं बता रहा, काम नहीं बता रहा है। अब इनको कर दिया हमने क्या, अवॉइड। सुन रहे हो? हमने अवॉइड कर दिया। तो अब हमारे पास एक ऐसा शब्द बचा जो कंडीशन बताता है, स्थिति बताता है, दशा बताता है कि आखिर वो चीज कैसी है। नहीं आ रही बात समझ? अब उस दिन सब लोग पूछने लगे थे सर ऊंचा कौन सी संज्ञा है। अरे भैया ऊंचा किसी का नाम नहीं है, ऊंचा एक दशा है, ऊंचा है कि नीचा है, गहरा है कि मोटा है कि पतला है, तो मोटा पतला संज्ञा नहीं है, क्योंकि वो ये बता रहा है कि वो कैसा है, और जब बात आए कैसा है विशेषण। अब आगे बात समझ में? उस दिन का डाउट आज दूर हो गया, कोई चीज कैसी है या कैसा है, अच्छा है बुरा है, खट्टा है मीठा है, कड़वा है, सुन रहे हो? ये चीज कहलाती है क्या? ये किसी चीज का नाम नहीं है, एक्चुअली ये उसकी कंडीशन बता रहा है, उसकी दशा बता रहा है, उसकी स्थिति बता रहा है, सुन रहे हो? वह गरीब है। अब गरीब उस दिन ले लिया था अपन ने जातिवाचक में, लेकिन गरीबी जो है, गरीबी वो एक नहीं, अब नहीं आएगा स्वभाववाचक में, विशेषण में आएगा। उस दिन हमने कई सारे वर्ड इसलिए डाल दिए थे क्योंकि हमने आपको विशेषण नहीं पढ़ाया था। गरीबी एक स्थिति का नाम है, कैसा कैसी स्थिति दशा कंडीशन, गरीबी एक कंडीशन का नाम है कि नहीं है? अरे क्लियर है? हम कहें सुंदरता एक कंडीशन का नाम, कैसा है सुंदर है, नहीं आ रही वासों में? काला सफेद नीला पीला ये कंडीशन है, नहीं आ रही वासों में? अब जब नाम आए, रंग का नाम आए, बात अलग है कि संज्ञा किस पर्पस में कहा गया, किस फेवर में कहा गया। वह गोरा है, वह गोरा है, यहां पर गोरा उसकी स्थिति को बता रहा है, उसकी दशा को बता रहा है। वह बीमार है, बीमार उसकी स्थिति को बता रहा है कि वो कैसा है, नहीं आ रही बात समझ? वह होशियार है, होशियार, अब होशियार संज्ञा में नहीं आएगा,
एक्चुअली वह है सर्वनाम, लेकिन वो होशियार होशियार वर्ड उसकी स्थिति को बता रहा है कि वो कैसा है। बोर हो रहे आप लोग, समझ में नहीं आ रहा? वह मूर्ख है, मूर्ख। अब देखना, वैसे तो मूर्ख हमने उस समय कहा था जाति वाचक संज्ञा है, कहा था। अरे लेकिन भैया यहां जो सेंटेंस आया है वह मूर्ख है, मूर्ख में हम ये बताना चाह रहे हैं कि उसकी स्थिति क्या है। वह बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान अगर अकेला वर्ड आता तो हम कहते जाति वाचक संज्ञा है, क्या कहते? लेकिन पूरे हम सेंटेंस का इंटेंशन देखें, पूरे सेंटेंस का, वह बुद्धिमान है, यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि उसकी कंडीशन क्या है, उसकी दिमागी कंडीशन क्या है। वह मूर्ख है, वह बुद्धिमान है, वह गोरा है, वह काला है, वह ईमानदार है, वह बेईमान है, वह चोर है। सुन रहे हो? तो यहां जो सेंटेंस है वो सेंटेंस जा रहा है उसकी विशेषता बतलाने के फेवर में। वह बेईमान है, हम क्या बताना चाह रहे? सुन रहे हो? नहीं आ रही बात समझ? अगर बेईमान अलग से लिखा जाए तो हम इसे जातिवाचक संज्ञा में ले जाएंगे, लेकिन अगर सेंटेंस लिखा जाए वह बेईमान है तो यहां पर विशेषण आएगा कि वह आदमी बेईमान। नहीं आ रही बात समझ? वह आदमी चतुर है, विशेषण है। वह आदमी गोरा है, वह आदमी काला है, वह आदमी ऊंचा है, वह आदमी नाटा है। नहीं आ रही बात समझ? अब बात समझ में आई है? जब हम किसी सेंटेंस के शब्दों का इस्तेमाल उसकी कंडीशन, उसकी स्थिति, उसकी दशा, सुन रहे हो, या उसकी कोई भी विशेषता बतलाने में करते हैं तो उसे कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? तो विशेषता को ही विशेषण कहा जाता है, लेकिन जिसकी विशेषता बतलाएं उसे कहते हैं विशेष्य। जैसे सीता गोरी है तो संज्ञा सीता, इसे कहेंगे इस सेंटेंस में विशेष्य। विशेषता नहीं, सुंदरता विशेषता है, लेकिन सीता, ओके, सीता विशेष है। कृष्ण सांवला है, विशेषण है सांवला, विशेष है कृष्ण, ओके। नहीं आ रही बात समझ में? अब यही आगे जलकर जब आप कर्मधारय समास पढ़ोगे तो वहां आएगा उपमेय और उपमान। उपमेय में उपमान की तुलना हो, उपमेय में उपमान का आरोप हो। तो अब हम ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, डेफिनेशन नहीं पढ़ाएंगे हम, नहीं पता चला खूब रट लेते हैं। उपमेय में उपमान का आरोप हो, अब पता ही नहीं है जो आरोप है का, और रट लिया के आरोप है, तो अपन तो सीधा सीधा ओपन बिल्कुल। देखें आप, विशेषण, विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को संज्ञा नहीं है, संज्ञा की विशेषता बत, वह चोर है, वह संज्ञा है, सॉरी सर्वनाम है, लेकिन वह चोर है यह उसकी विशेषता। वह अच्छा है, वह माने सर्वनाम, और सर्वनाम की विशेषता क्या है? अच्छा। रोहिणी सुंदर है, रोहिणी हो गई संज्ञा, सुंदर हो गया विशेषण। क्लियर है? देखें यह क्रिया की विशेषता नहीं बतलाना, याद रखना, विशेषण में क्रिया की विशेषता नहीं बतलाई जाएगी, मात्र विशेषता बतलाई जाएगी संज्ञा की, और क्रिया विशेषण अलग। सुन रहे हो? यहां विशेषता केवल काय की बतलाई जाएगी? संज्ञा की, और ओके। देखें अब विशेष, जिसकी विशेषता बतलाई जाए यानी संज्ञा या सर्वनाम, वो कहलाता है विशेष। अब आते हैं, श्याम काला है, श्याम, श्याम क्या है?
विशेष काल क्या है? विशेषण है, नहीं आ रही बात समझ में। चलिए अब देखें यहां पर विशेषण, अगर लेकिन केवल लिख देते काला, केवल काला, तो फिर वहां चला जाता वो जातिवाचक संज्ञा, वहां पर एक रंग का नाम है। तो हमेशा याद रखना सेंटेंस का इंटेंशन देखना है कि हमारे कहने का मीनिंग क्या है, मीनिंग पर जाना है। यहां मीनिंग हमारा यह है कि श्याम काला है, हम काला किसी का नाम नहीं कह रहे, हम एक्चुअली कह रहे हैं कि श्याम काला है, श्याम की विशेषता। सुंदर बच्चे, अब यहां पर यह हो गए विशेष, ये संज्ञा है, इनकी विशेषता क्या है? सुंदर, ठीक है। अब देखो विशेषण के चार भेद होते हैं, आपको इतना याद रखना है। सबसे पहली बात कि रटना नहीं, जो छोटी क्लास ऐसा लिखने नहीं आना है, लेकिन इतना पता है हमें कि विशेषता चार प्रकार से बतलाई जा सकती है। कितने प्रकार से? चार प्रकार से। कैसे कैसे देखें जरा। पहली बात तो यह हो सकती है कि आप उसके गुण बताएं, वो अच्छा है बुरा है, ऊंचा है नीचा है, मोटा है पतला है, ये हो गए उसके गुण और दोष। गुण और दोष को कहते हैं गुणवाचक संज्ञा, चाहे अच्छाई बताओ चाहे बुराई बताओ, ये काय में आएगा? गुणवाचक में। आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? दूसरा आ गया संख्यावाचक। क्या आ गया? विशेषता तो हो लेकिन गिनती में हो। हमने कहा मैं 5 किलो घी लाया, 5 किलो घी लाया। अब घी तो है, घी एक मटेरियल है, तो घी मटेरियल नाउन है नहीं है? द्रव्यवाचक। लेकिन उसकी विशेषता क्या है? 5 किलो घी। हमने कहा मैं 10 आम लाया, आम तो संज्ञा है लेकिन कितने लाया? 10 आम। तो ये विशेषता आ गई कि 10 आम लाया। सुन रहे हो? तो आता है संख्या। अब हम कहें वहां 5 लड़के खड़े हैं, वहां 5 लड़के खड़े हैं, लड़के तो खड़े हैं साधारण सी बात है, कितने खड़े हैं? 5। ये विशेषता हो गई। लेकिन हम कह देते वहां सुंदर लड़के खड़े हैं, गुणवाचक। वहां बेईमान लड़के खड़े हैं, वहां ईमानदार लड़के खड़े हैं, वहां पढ़ने वाले चतुर लड़के बैठे हैं, गुणवाचक। अच्छे भले गोरे या काले या स्मार्ट कह दें या मूर्ख कह दें या बुद्धिमान कह दें, ये गुण में आएगा, काय में आएगा। अगला आता है परिमाण वाचक। अब आपने कहा कि हमने 5 लगा दिया तो संख्या, लेकिन कुछ चीजें दुनिया में ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम तोलते हैं परिमाण, ठीक है, परिणाम नहीं है ये, परिमाण। परिमाण माने वजन यानी तोलना, ओके? जिनकी विशेषता तोलने में आए, गिनती में नहीं। हमने कहा 5 लड़के अलग बात है, 5 किलो घी तोला जाता है। देखो आप जरा अभी बता रहे हैं इनको हम। संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम में क्या होता है? सर्वनाम तो ठीक है लेकिन संज्ञा के साथ सर्वनाम साथ में लग जाए, संज्ञा भी लगे सर्वनाम भी लगे, सो ये हो गया संकेत इंडिकेशन। अपन ने याद हो अपने संकेतवाचक सर्वनाम पढ़ी थी, और उस जैसे हमने कहा यह गाय, याद है कि नहीं है? यही गाय, हाँ है ना? यह लड़का, वह आदमी। अब आदमी कह रहे सो संज्ञा है और वह लगा दिया सो सर्वनाम। मैंने संज्ञा और सर्वनाम जब एक साथ आ जाए तो वह निश्चयवाचक हो जाता है, और साथ में हम शो करते यह कंप्यूटर। अब भैया कह दो ना कंप्यूटर तो संज्ञा, यह पर कंप्यूटर हटा देते तो कह देते यह तो सर्वनाम, लेकिन तुमने दोनों लगा दिए यह और लगा दिया कंप्यूटर। हमने कह दिया लड़का सुंदर है, हमने कहा नहीं यह लड़का सुंदर है, तो हमने लड़का लगा दिया सो संज्ञा है, यह लगा दिया सो सर्वनाम है। जब कभी संज्ञा और सर्वनाम एक साथ आए तो उससे यह तय होता है कि हम संकेत कर रहे हैं कि यही चीज है, और जब संकेतवाचक सर्वनाम आए और उसकी विशेषता बतलाई जाए संकेतवाचक सर्वनाम, सॉरी विशेषण, ओके? नहीं आ रही बात? कुल 4 प्रकार से विशेषण होते हैं। तो विशेषण देखो जरा, संज्ञा के प्रकार हैं 5, सर्वनाम के हैं 6, क्रिया के हैं 2, सकर्मक और अकर्मक,
और विशेषण के हैं चार, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखें जरा आप गुणवाचक में, सेठ रामलाल एक अच्छा और भला आदमी है। अच्छा भला क्या है? गुण। सेठ रामलाल बेईमान आदमी है। जोर से बोलो, नहीं आएगा। सेठ रामलाल लंबा आदमी है। गुणवाचक आएगा। सेठ रामलाल गोरा आदमी है। भला है, गोरा है, सुंदर है, ऊंचा है, नीचा है, मोटा है, पतला है। ओके, चोर है, बेईमान है, ईमानदार है, सच्चा है। कह में हमें सुनाई नहीं दिया। शहर में उसके अच्छे चरित्रवान मित्र हैं। उसे सभी दयालु, चतुर और ईमानदार व्यक्ति मानते हैं। उसका सफेद रंग का शानदार घर दूर से ही दिखाई। चलो जी, सब गुण। अब संख्यावाचक, गिनती आएगी, विशेषता तो आएगी लेकिन गिनती। अब देखना जरा, संख्यावाचक विशेषण निश्चित और अनिश्चित। जैसे अब देखना, विशेषता तो है, कई बार हमें गिनती पता रहती है और कई बार हमें गिनती पता नहीं रहती। गिनती परमानेंट पता हो, जैसे हम तुमसे कहें 2000 रुपए, परमानेंट 2000 गिनती है नहीं है। काय में आ गए? संख्यावाचक। काय में आ गए? लेकिन वहीं हम कहते हैं कुछ रुपए दो, अनिश्चित। लेकिन कई बार लड़कों को यह भ्रम हो जाता है कि गिनती लिखने के बाद भी अनिश्चयवाचक आता है, यानी अनिश्चय संख्यावाचक। जैसे हम तुमसे कहें यार हमें 1000 2000 दो, अब 1000 के 2000 अनिश्चय। हम वहां कहें 10-20 लड़का खड़े हैं, अरे 10 या 20 अनिश्चय। अब गिनती होने के बाद भी, यानी संख्यावाचक तो है लेकिन निश्चय है या अनिश्चय? बात समझ में आ गई? 3 आदमी 2 बच्चों के साथ। अब देखना जरा, आदमी हो गया संज्ञा, आदमी हो गया संज्ञा, विशेषता क्या है? 3। बच्चे हो गए संज्ञा, विशेषता क्या है? 2। तो जो शब्द संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बतलाएं, जो शब्द कौन की? संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बतलाएं उसे। अरे क्लियर है? और यहां चूंकि गिनती आ रही है तो विशेषण कौन सा? संख्यावाचक। कौन सा? सामने के मैदान में 5 वृक्ष खड़े हैं। वृक्ष कितने हैं? वृक्ष क्या है? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता क्या है? 5। तो जो शब्द संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बतलाएं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये देखें, वृक्ष हो गया आपका विशेष, वो 5 हो गया विशेषण। हमारे गांव में 4 हाथी आए हैं, गंदा पानी पीने से सैकड़ों लोग बीमार हो गए। अब यहां सैकड़ों लोग है तो गिनती लेकिन अनिश्चय। सुन रहे हो? कुछ बच्चे बाहर खड़े हैं, कुछ बच्चे, अब कुछ में लोग हैं, गिन सकते हैं हम लोगों को तोलते हैं कि गिनते हैं? हमें आवाज नहीं आ रही। जिन चीजों को हम गिनते हैं, फिर भले हम थोड़ा कहें, कुछ कहें, लेकिन गिन सकते हैं। बस इतना अंतर है कि हमें पता नहीं कि वो कितने हैं। अनिश्चयवाचक, थोड़े से लोगों ने ही भारी सिला, थोड़े से लोगों ने माने 10 20 15 जो भी हो। अनिश्चय संख्यावाचक, उस मैदान में 5 लड़के खड़े हैं, इस कक्षा के कुछ छात्र पिकनिक मनाने गए हैं, 5 लड़कों की निश्चित संख्या है, कुछ छात्रों की अनिश्चित संख्या है। इस टाइप से दो लोग होते हैं, कभी कभी निश्चित संख्या के बाद भी देखो लिखा होता है, जैसे उस सभा में लगभग 1000 आदमी थे, हमने लगभग लगा दिया, आएगा संख्यावाचक में। लेकिन संख्यावाचक में भी कौन? देखें, मुझे 1000 2000 रुपए दे दो। ओके, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, सालों बाद, पता नहीं कितने साल बाद। वैश्विक आर्थिक मंदी का असर करोड़ों लोगों पर पड़ रहा है, करोड़ों। चलिए अब देखें संख्यावाचक में, ये छोड़ दीजिए, कोई ज्यादा बोल नहीं, गणनावाचक, क्रमवाचक,
आवृत्तिवाचक संग्रह। अब देखो जरा टाइप के अंदर नहीं जाना, संख्या भी कितने प्रकार से बोली जाती है, संख्या भी कितने प्रकार से बोली जा सकती है। एक लिखा है गणना, सीधी गिनती काउंटिंग। एक होता है क्रम, जैसे दूसरा लड़का, दूसरा लड़का माने पहला नहीं दूसरा, ये आपका रैंक है क्रम। तो पहली बात तो हम गिनती कर रहे काउंटिंग कर रहे बात अलग है, तुम्हारा सीरियल नंबर बता रहे बात अलग है, और तुमने कितने बार ये काम किया आवृत्ति माने राउंड, तीसरी बार चौथी बार पांचवी बार, सुन रहे हो? अरे क्लियर है? और एक आता है संग्रहवाचक, जहां हम कलेक्ट करके हम किसी चीज का आंसर देते हैं। देखें जरा समुदाय वाचक, वीपसा वाचक, गणना वाचक, देखना जरा उदाहरण, चार छात्र आठ लड़कियां, सीधी काउंटिंग क्लियर है? संख्या वाचक में बता रहे हैं हम, पढ़ा बेटा इसलिए देते हैं क्योंकि अगर एक नंबर का कभी कोई पेपर में क्वेश्चन आ गया तो मेरा स्टूडेंट खारिज करके ना आए, गलत करके ना आए, उसे पता होगी कभी ना कभी सर ने चर्चा, आपको लिखना नहीं, कई बार डाउट मिल जाते ना, अरे अब बताओ, पहले तो विशेषण, फिर चार, फिर उसमें भी चले गए भीतर, सो निश्चित और अनिश्चित, फिर उसमें भी चले गए भीतर, सो चार। आपको भीतर नहीं जाना, आपको तो ये देखना है कि संख्या वाचक तो है, संख्या को हम कितने प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले बिल्कुल काउंट कर लो, गणना कर लो, परमानेंट, चार पांच सौ एक सौ दस पचास, ओके। अपूर्ण संख्या का प्रयोग, जैसे सवा रुपए, ढाई रुपया, साढ़े तीन किलोमीटर, ये कंप्लीट नहीं है, गणना तो है लेकिन ये कंप्लीट गणना नहीं है, ठीक, लेकिन गणना है। क्रमवाचक, फिर देखो, जैसे पहली कक्षा, दूसरा लड़का, तीसरा आदमी, माने आपकी रैंक बता रहे हैं कि किस क्रम की हम बात कर रहे हैं, तो दूसरा हम गिनती करते हैं क्रम के अनुसार। तीसरा आया आवृत्ति वाचक, जैसे दुगने छात्र, कितने बार वो चीज आई है, ढाई गुना, उसे तीन गुना लाभ हुआ, तुम्हारा नुकसान पांच गुना हो जाएगा, नहीं आ रही बात समझ में, तो ये कौन सा हो गया, कितने गुना, कितने बार आपको वो चीज हो रही है। अब देखना जरा संग्रहवाचक, जैसे चारों आदमी, कलेक्ट करके बता दिए हमने, चारों आदमी, चार आदमी कहते तो गणना, हम लोग गिनती को ही कितने टाइप से यूज करते हैं, चार आदमी, चौथा आदमी, या चारों आदमी, चार आदमी बात अलग है, वो चार आदमी एक बात, दूसरा चौथा आदमी बात अलग है, हम कहें चारों आदमी, हमने ग्रुप बना दिया, आठों पुस्तकें, देखना जरा संग्रहवाचक। अब समुदाय, एक जोड़ी चप्पल, समुदाय माने ग्रुप, ये ग्रुप में ही चलता है, एक जोड़ी चप्पल, एक दर्जन केला, सुन रहे हो? तो ये चीजें आती हैं। अब आ गया बीपसा, बीपसा का मतलब होता है रिपीट, एक वर्ड को रिपीट करना, देखना जरा, जैसे प्रत्येक तीन घंटों पर यहां गाड़ी आती है, हम यहां इसको कह दें दूसरे मीनिंग में, तीन तीन घंटे में गाड़ी आती है, नहीं आ रही बात समझ में, दो दो घंटे में स्कूल लगता है, नहीं आ रही बात समझ में, पांच पांच घंटे बाद रेस्ट मिलेगा, नहीं आ रही बात समझ में, हमने रिपीट किया ना, तो है संख्यावाचक लेकिन हम कितने प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें अभी एक्चुअली आ गए परिमाणवाचक, अभी पढ़ रहे थे संख्यावाचक, क्या पढ़ रहे थे हमने, विशेषण में पहले पढ़ा था गुणवाचक, फिर पढ़ा, अरे क्लियर है? संख्यावाचक के हम अंदर चले गए थे, तो हमने कहा इतने प्रकार से हम संख्याओं को बढ़ते हैं। तो जब कभी देखो जरा कभी आ जाए कि बताइए निम्न में से वीपसावाचक कौन है, निम्न में से बता दीजिए क्रमवाचक कौन है, तो हमें पता होना चाहिए कि भैया जब सिंपल है तो गणनावाचक है, आवृत्ति में होता है, आवृत्ति माने वही चीज रिपीट होना, गुना, ओके। कोई कहते कि नहीं अनिश्चित संख्यावाचक कौन सी है, थोड़ा कम, ढाई, साढ़े तीन, साढ़े चार, सुन रहे हो? कोई कहते नहीं वीपसावाचक, हमने कहा तीन तीन घंटे में आना, दो दो घंटे में इंजेक्शन लगवा लेना, तीन तीन घंटे में दवाई खा लेना, ये वीपसावाचक हो गया।
कोई कहे क्रमवाचक विशेषण कौन है, हम कहें दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, पांचवा आदमी, नौवा आदमी, ये क्रम हो गया। हम पांचवी कक्षा में पढ़ते हैं क्रमवाचक है। चलिए परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में हम तोलते हैं, तोलते हैं कुछ, थोड़ा बहुत, अधिक, दो टन, पांच लीटर। अब आप भ्रम मत खा जाना कि सर यहां पांच आया तो अभी तो आपने वो बताया था संख्या। एक्चुअली उन चीजों के लिए हमने पांच पेड़, एक दो तीन चार पांच, लेकिन पांच किलो घी तो लोगे ना, पांच किलो दूध, पांच लीटर पानी, अरे क्लियर है। तो जहां पर गिनती भले आए लेकिन तोलने वाली बात आए वो परिमाण, ठीक है, छोड़ दीजिए। सार्वनामिक विशेषण वही संकेतवाचक, चाहे संकेतवाचक कहें चाहे सार्वनामिक कहें। वहां हमने एक पढ़ा था सर्वनाम में संकेतवाचक सर्वनाम, जहां पर संज्ञा के साथ का लग जाए सर्वनाम। देखो गाय, अब देखना जरा, यह गाय, अब देखना संकेतवाचक में गाय क्या है और यह क्या है, अब निश्चित हो गया यह गाय। अब इसी को हम लिखते हैं यह गाय काली है, अभी रुक जाए, यह गाय काली है, देखना आपने लिखा यह गाय है, सो यह हो गया संकेतवाचक सर्वनाम। लेकिन अभी यहां कहीं विशेषता नहीं आई, अभी यहां कहीं विशेषता, यह काली गाय है, अब आई विशेषता। और अब ये विशेषण कौन सा माना जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यहां पर संकेतवाचक आ रहा है। अब कोई विशेषण देखना जरा, आदमी कहते सर पढ़ा तो दिया आपने, हम कैसे चेक करेंगे, विशेषण है, एक बात तो पता चल गई विशेषता है, गिनत अच्छा बुरा भला है गुणवाचक है, हाँ या ना, क्या है गुणवाचक है, दूसरा आ गया संख्यावाचक, तीसरा आ गया परिमाणवाचक। अब देखें एक्चुअली अगर यहां सर्वनामक विशेषण नहीं आता और हम कहते हैं गाय काली है, तो ये डायरेक्ट चला जाता गुणवाचक में, काय में जाता, और गुणवाचक ये है ही। लेकिन चूंकि यहां पर सर्वनाम के साथ साथ संज्ञा भी आ गई है, इसलिए इसे संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। नहीं आ रही बात, कितने लोग कहते हैं समझ में आ रहे हैं, आ रहा है, वह आदमी है। अब यहां पर फिर वही बात, सर्वनाम और संज्ञा एक साथ, सो हमने कहा संकेतवाचक सर्वनाम, और यदि हम कहते हैं वह आदमी काला है, विशेषण हो गया, नहीं बनेगा, अरे क्लियर है, देखें चलो, वह गधा भागा जा रहा है, अब विशेषता है भागा जा रहा है, विशेषता क्या है, अरे क्लियर है, संकेतवाचक, गधा भी लिखा वह भी लिखा, जैसा काम वैसा ही दाम, जैसा काम वैसा दाम, जैसा सर्वनाम है काम नाम है, सुन रहे हो, नहीं आ रही बात समझ में, चलो संज्ञा सर्वनाम, यह घर मेरा है, खूब उदाहरण दिए थे हमने, यही तो संकेतवाचक सर्वनाम है, घर क्या है संज्ञा, यह क्या है बोलो यार, अरे क्लियर है। तो एक बात तय है कि यहां पर संकेतवाचक सर्वनाम है और विशेषता यह है कि यह मेरा है, किसका है, सो यहां आ गया विशेषण, नहीं आ गया, अरे बोलो आ गया है। तो चूंकि यहां पर सर्वनाम कौन सा था, संकेतवाचक था, हम हमेशा कहते पिछला रिवाइज करके आओगे तो अगला बनेगा। अब कई बार लोग कहते कि सर्वनाम भले ना बने हमसे विशेषण बन जाए, कैसे बन जाएगा, ठीक है पढ़ के आया करो। देखो यह किताब फटी है, यह सर्वनाम किताब संज्ञा, अगर दो मिनट विशेषण को छोड़ दें तो इस सेंटेंस में सार्वनामिक सॉरी संकेतवाचक सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम, नहीं पढ़ा था,
अरे क्लियर है। अब देखें विशेषता क्या है, ओके। अब ये जाना चाहिए गुणवाचक में, काय में, इसलिए क्योंकि उसकी कंडीशन बताई जा रही है। अरे क्लियर है, गुणवाचक है, लेकिन चूंकि इसमें संज्ञा और सर्वनाम एक साथ आ गए इसलिए ये आएगी काय में, संकेतवाचक विशेषण में। अब बताओ नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, खिंच के बैठो पहले, ठीक है। आगे, कोई आदमी रो रहा है, उस समय उसकी विशेषता है, लेकिन अभी हाल अगर विशेषता को गोली मारो, आदमी संज्ञा कोई सर्वनाम, ऐसा आदमी नहीं देखा, विशेषता भी छोड़ो, आदमी संज्ञा ऐसा सर्वनाम, ऐसा वैसा जैसा वह, ओके क्या है जी बोलो यार, तो जे हो गए, कैसा घर चाहिए, घर देश, ओके चले। तो अब ये थोड़ा सा आप लोग घर में पड़ेगा। हाँ एक और आई बात, एक और एडिशनल बात आई, और वो है अंतर विशेषण, या उसी को कहते हैं प्राविशेषण। अब क्या होता है, वैसे तो विशेषण चार टाइप का था, ये कोई टाइप नहीं है, ये विशेषण का कोई टाइप नहीं है, मैं फिर बोल दूं आपसे, ये विशेषण का कोई टाइप नहीं है, क्योंकि तो विशेषण के कितने टाइप हैं, चार, जोर से बोलो कितने हैं, पहला गणना सॉरी गुणवाचक, गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा अगला, ओके चार, चार के अलावा टाइप नहीं। जैसे हमने कल पढ़े थे क्रिया लास्ट क्लास में, ओनली दो टाइप की थी सकर्मक, को ये बात अलग है कि कुछ चीजें और एडिशनल हमें पढ़ना पड़ती है, कई बार एग्जाम्पल आ गए तो बस वही, जैसे हमने कह दिया गाय काली है, गाय, फिर से बोलो, गाय संज्ञा है, काली, हाँ या ना, लेकिन यदि हम यही कहते गाय बहुत काली है, अब देखना जरा विशेषता में भी थोड़ी सी विशेषता घुस गई, यानी विशेषता में भी अंतर आ गया, विशेषता में क्या आ गया, काली बहुत काली, ऊंचा बहुत ऊंचा, नाटा बहुत नाटा, मोटा मोटा में लिख दो बहुत मोटा। अब देखना जरा, कई बार जैसे हमने कहा सुरेश बहुत मोटा है, लिखो जरा कॉपी में, सुरेश बहुत मोटा है, और सुरेश हो गया संज्ञा, सुरेश क्या है, मोटा है इसकी विशेषता, तो एक्चुअली तो आना चाहिए गुणवाचक में, काय में, हमें आवाज नहीं आ रही है, लेकिन अब गुणवाचक तो है ही, लेकिन गुणवाचक होने की बात तुम्हें नहीं देख रहे, खुदा थोड़ा वो स्पेशल आ गया बहुत मोटा, जैसे श्याम ईमानदार है, श्याम बहुत ईमानदार है। अब सुने जरा सारे लोग, पिछली बार हम एक बहस कर रहे थे साहसी निडर, आपने कहा था ये संज्ञा नहीं है, ये विशेषण है, राम साहसी लड़का है। जब कभी भी आपको डाउट आए ना, याद रखो सब लोग सामने, जब कभी आपको डाउट आए कि ये वर्ड संज्ञा है या सर्वनाम, जैसे आपने कहा निडर, अब पिछले बार अपन जबरदस्ती दिए जा रहे थे निडर कौन सी संज्ञा है, फिर कछु नहीं मिला सो जातिवाचक। उस दिन हमने बात आपकी इसलिए सुन ली थी क्योंकि हमने आपको विशेषण पढ़ाया नहीं था, और एक टीचर की विशेषता होनी चाहिए जो चीज नहीं पढ़ाई है
वो बच्चों पर जबरन लादना नहीं चाहिए। ये मात्र एक ज्ञान का दिखावा है, जब आपने पढ़ा ही नहीं तो बच्चे से बनेगी नहीं। लेकिन अब आप एक सेंटेंस लिखो, जैसे आपने निडर लिखा तो हम लिख दें राम निडर लड़का है या राम निडर है। राम निडर है। अब राम निडर है, राम संज्ञा है, निडर संज्ञा निडर तो उसकी विशेषता है। नहीं आ रही बात सुन? पक्का? तो अब विशेषता है तो गुणवाचक में जाएगा, इसी को लिख दें वह बहुत निडर है। अंतर विशेषण या प्राविशेष? नहीं आ रही बात सुन में? आ रही है। राम तेज दौड़ता है, हालांकि ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण कब बनाएंगे, लेकिन आज अपन विशेषण में ले ले रहे। राम तेज दौड़ता है, राम बहुत तेज दौड़ता है, कह में आएगा। राम सुंदर लिखता है, राम बहुत सुंदर लिखता है, ओके। सीता सुंदर है, सीता बहुत सुंदर है, लेकिन याद रखना प्राविशेषण भी अगर हो, सुन रहे हो, प्राविशेषण भी हो तो प्राविशेषण कोई टाइप नहीं है, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आपको गुणवाचक पर ले जाना है, या गिनती है तो संख्यावाचक पर ले जाना है, सुन रहे हो। अब जैसे हमने कहा संख्यावाचक में, परिमाणवाचक में हमें थोड़ा सा घी दे दो, कह में आएगा परिमाणवाचक, कह में नहीं आएगा। हम इसी को कह दें हमें बहुत थोड़ा, नहीं आ रही बात सुनिए, बहुत थोड़ा घी दे दो, तो ये अंतर विशेषण तो है, लेकिन अगर अंतर विशेषण नहीं तो एक्चुअली में ये मटेरियल है, ये नहीं आ रही बात समझ में। तो हम जब कभी किसी चीज को और स्पेशल, स्पेशल तो है ही विशेषण, और बहुत, जैसे हमने आपसे कहा अभी, हमने थोड़ा कहा, बहुत थोड़ा, हमने कहा वहां थोड़े लोग खड़े हैं, अब इसी को अपन कहते हैं बहुत थोड़े लोग खड़े हैं, बहुत थोड़े माने बहुत कम, सुन रहे हो। अब वहां ज्यादा लोग खड़े हैं, ज्यादा संख्यावाचक, कि लोगों को गिना जा सकता है, और हम वहां लगा दें बहुत ज्यादा, बहुत अंतर विशेषण है, लेकिन अगर अंतर विशेषण ऑप्शन में ना आए तो फिर ये संख्यावाचक। नहीं आ रही बात सुन? मन में कोई क्वेश्चन आ रहा आपके, बताए बोलो। देखें, और दूसरी बात, फिर अपन ने एक चीज पढ़ी थी आपको याद हो, भाववाचक संज्ञा, तो अपन ने सर्वनाम से भाववाचक बनाई थी, आपसे बनाया था अपनापन, नहीं बनाया था, और कुछ भाववाचक संज्ञा हमने बनाई थी विशेषण से, कैसे, जैसे गरीबी विशेषण है, सुन रहे हो, सॉरी गरीब विशेषण है, गरीबी एक भाववाचक संज्ञा है, समझ में आ रही बात। तो विशेषण को हम अगर आगे बढ़ा दें तो विशेषण भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है, याद है आपको? चलो बता दे रहे हैं, अगर याद ना हो तो बैक चल रहे थोड़े से, इसीलिए कहते हैं प्रिंट आउट ले लिया करो बेटा, बहुत अच्छा रहता है। और आपको देखें जरा संज्ञा, इसमें देखो आप संज्ञा में, ये देखो वापस चलते हैं, उस दिन हमने कहा था कि अभी नहीं पढ़ाया तो आप थोड़ा सा केवल आप सुन लो, कहा था ना, उस दिन कहा था सुन लो, आगे देखेंगे, अब देखो। लेकिन अब देखना आप, विशेषण गरीब एक विशेषण है और गरीबी एक भाववाचक संज्ञा, क्योंकि हम गरीब को छू सकते हैं इसलिए विशेषता है, लेकिन गरीबी को नहीं छू सकते। नहीं आ रही बात सुन? ये देखें खट्टा,
खट्टा किसी का नाम है? एक्चुअली खट्टा एक विशेषता है, और वही कहते हैं खटास। क्या कहते हैं? तो ये भाववाचक संज्ञा है। अब आ रही बात समझ में? मुझे लगता बेहतर आ रही होगी। आगे देखें, गर्म विशेषता है और गर्मी एक भाववाचक संज्ञा। गर्म किसी का नाम सुना तुमने? दुनिया में एक चीज का नाम बताओ जो गर्म, एक्चुअली विशेषता है। गर्म ठंडा, ये क्या है? विशेषता। क्या है ये? ऊंचा, अभी बताया। ऊंचा किसी का नाम है क्या? नहीं, एक्चुअली ऊंचा एक विशेषता है, लेकिन ऊंचाई कह दें तो ये भाववाचक संज्ञा। सुन रहे हो? अरे क्लियर है? हिंसक एक विशेषता है, हिंसक, और हिंसा एक भाववाचक संज्ञा। सुन रहे हो? क्लियर है? चतुर, चतुर किसी का नाम नहीं है, चतुर किसी का नाम नहीं, बुद्धिमान किसी का नाम नहीं है, मूर्ख किसी का नाम नहीं, चतुर किसी का नाम नहीं, होशियार किसी का नाम नहीं, बेईमान किसी का नाम नहीं, चोर किसी का नाम नहीं। ये हैं विशेषताएं। क्या है ये? ये एक्चुअली एक कंडीशन है चतुर, लेकिन यही कह दें चतुर आई तो अब ये है भाववाचक संज्ञा। क्या है ये? नहीं आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये देखें, कोमल एक कंडीशन है, कोमल सॉफ्ट। अरे क्लियर है? अब इसको आगे बढ़ाएं और कहते हैं कोमलता, भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन जाती है, विशेषण से। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? जैसे हम एक वर्ड और कहते हैं साहस, साहसी नहीं होगा, साहसता। जैसे निडर, निडरता, तो निडरता एक भाववाचक संज्ञा है और निडर एक विशेषण है। निडर क्या है? अरे क्लियर है? दृढ़, दृढ़ किसी का नाम। तो हमेशा दुनिया में एक बात सोचा करो कि क्या दृढ़ किसी वस्तु का नाम? वस्तु का नाम दृढ़ सुना? एक्चुअली कंडीशन का नाम है दृढ़, जो ठोस है वो दृढ़। दृढ़ हो गया, कोमल हो गया, ये कंडीशन है। हमने कहा तरल, हमने कहा ठोस, तो ये किसी के नाम नहीं है, एक्चुअली ये कंडीशन के नाम है। ठोस एक कंडीशन है, द्रव एक कंडीशन है, कोमल एक कंडीशन है, कठोर एक कंडीशन है। अब कठोर, कठोर का में आएगा विशेषण, आवाज नहीं आ रही। ओके, कठोर एक विशेषण है, सो कठोरता। कोमल एक कंडीशन है, कोमलता। सुन रहे हो? हमने कहा निर्मल, निर्मलता। अब जे मत कहते हमारे भाई का नाम निर्मल है, अब नाम तो तुम रख सकते हो, लेकिन निर्मल एक कंडीशन है। कंडीशन स्वच्छ को कहते हैं निर्मल, कंडीशन साफ। ओके, जैसे स्वच्छ, स्वच्छ एक कंडीशन है, एक विशेषता है स्वच्छ। सो क्या है ये? विशेषण। क्या है? दुनिया में किस चीज का नाम स्वच्छ है? नहीं, एक कंडीशन का नाम है स्वच्छ, तो स्वच्छ से बनी स्वच्छता। सोचो ना, आप गलत कह रहे हो तो आप थोड़ा सा। स्वच्छ किसी चीज का नाम है? किसी पर्वत का नाम, किसी कहते हो जी है स्वच्छ, बताओ हमें स्वच्छ कहां है? कंडीशन का नाम है स्वच्छ। सुन रहे हो? देखें, बलवान, बलवान। अब बलवान किसी चीज का नाम नहीं, एक्चुअली विशेषता का नाम है। वो बल, बल भाववाचक, उच्च, उच्चता, स्वास्थ्य, स्वास्थ्यता, ठीक, स्वस्थ। निर्धन, निर्धनता। अब निर्धन एक कंडीशन का नाम है, जैसे दरिद्र, दरिद्र एक कंडीशन है। किसी चीज का नाम दरिद्र?
तो ये संज्ञा नहीं, लेकिन दरिद्र तो भाववाचक संज्ञा है। अब कोई आपसे भिड़ जाए कि अरे बात तुम कह रहे कि गरीब गरीब संज्ञा नहीं है और गरीबी संज्ञा है भाववाचक, उनको जवाब देना कि प्रभु जो भाववाचक संज्ञा है वो सर्वनाम से भी बनती है, क्रिया से भी बनती है और विशेषण से भी बनती है। नहीं आ रही बात समझ? तो क्रिया को बदल दें तो भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है, सर्वनाम को बदल दें तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। आप अपनापन, अब आप क्या था? हाँ या ना? अरे क्लियर है? तो यहां पर याद रखिएगा, अब देखो जरा मधुर, अब भैया प्लीज हाथ जोड़िए, अब कोई लड़कों का नाम भी रहता मधुर, लेकिन आप लड़के के नाम पर मत जाइए। देखिए दुनिया में किसी वस्तु का नाम मधुर है क्या? जैसे ऊंचाई का नाम पहाड़ है, बहते का नाम नदी है, ठहरे का नाम तालाब है, क्या ऐसा किसी का नाम मधुर है? तुम बताओ। अब रखने को दो लोग नाम रख देते नयना, अब नाम तो रख लो लेकिन भाई नयन माने आंख, वो संज्ञा है। क्या है? अरे क्लियर है? लेकिन कोई का नाम रहता सपना तो भाववाचक संज्ञा, क्योंकि आपने लड़की का नाम भले सपना रख लिया लेकिन सपना एक्चुअली हमारी भावना का नाम सपना है। अब आगे बात समझ में? अरे क्लियर है? तो मधुर एक कंडीशन है, एक मीठी कंडीशन को कहते हैं जिसमें हमारा हृदय अच्छा महसूस करे, उस कंडीशन सॉरी उस कंडीशन का नाम है मधुर। मधुर का उल्टा होता कटु, कटु भी एक कंडीशन का नाम है, जो चीजें हमें चुभ जाए कटु, सुन रहे हो? सो कटु से बनेगी कटुता, मधुर से बनेगी मधुरता। अब हमने एक वर्ड और पिछले वाला लिया था सुंदर, पहले सुंदर बताओ, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषता है, एक कंडीशन का नाम है सुंदर, और सुंदर से बना सुंदरता। पूछ रहा है कोई है? हमें लगा तुम्हारा चेहरा देख के कि कुछ पूछ रहा है। काला, फिर वही बात, काला विशेषण है, काली मां, लाल लाली मां, हरा हरियाली, सुन रहे हो? फिर वही बात, यदि रंगों के नाम में आएंगे तो भले जातिवाचक संज्ञा कहलाएं लेकिन एक्चुअली ज्यादातर फेवर में ये आते हैं तो ये विशेषण बनते हैं, विशेषता बनते हैं। सरिता तुम पूछने वाली थी, वो मैंने जवाब दे दिया, हरा हरियाली, सफल सफलता। और सफल बताओ किस चीज का नाम? सोचो दुनिया में कोई चीज सफल है? ये सफल है, ये है सफल, ये है सफल, क्या है सफल? एक्चुअली कंडीशन का नाम है सफल, नहीं है? असफल क्या है? एक कंडीशन का नाम है असफल, वो कंडीशन माने विशेषता, दशा, स्थिति, क्या है ये? विशेषण। क्या है? अरे क्लियर है? तो आप अब कभी भ्रमित तो नहीं हो गए? कोई डाउट तो नहीं है? देखो विस्तृत, अब सोचो दुनिया में नाम विस्तृत किसका? विस्तार किसी का नाम है? दुनिया की कोई चीज ऐसी जो तुम्हें पता होगी ये विस्तृत कहलाता है, विस्तृत यानी एक कंडीशन फैला हो, तो विस्तृतता, ये टाइप गलत हो गया, मोटा विशेषता है, मोटापा, पतला विशेषता है, पतलापन। अरे क्लियर है? बड़ा, अब बड़ा बताओ किस चीज का नाम है? हमें सब प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, आप आपने कहा बड़ा, दुनिया की कोई चीज यानी संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा में सोचो क्या दुनिया की किसी चीज का नाम आपने बड़ा रखा? बड़ा का मतलब होता है कि आप एक चीज की विशेषता बतला रहे हैं, आप कंडीशन बता रहे हैं, आप कंडीशन है बड़ा, हा है ना? किसी चीज का नाम दुनिया में किसी वस्तु का नाम बड़ा नहीं, प्रत्यक्ष तौर पर आप किसी चीज को ये बड़ा नहीं कह सकते कि ये खड़ा बड़ा, वो कब बड़ा है? जब उसके सामने कोई छोटा है। अगर जैसे हम हैं, कोई कहते जी बड़ा है, नहीं कह सकता कब तक? जब तक कोई हमें बाजू में आकर
छोटा खड़ा ना हो जाए तब तक आप हमें बड़ा नहीं कह सकते। तो इसीलिए कंडीशन का नाम है बड़ा, विशेषण का नाम है बड़ा। तो जब ये विशेषण है तो बड़ा से बना बड़ाई या बड़कपन, क्या बना? अरे क्लियर है? जैसे बच्चा, बच्चा क्या है? रट लिया? बच्चा संज्ञा है, जाति वाचक संज्ञा है। अब के तो सर हमारी चाबी तो फंसाई गई विशेषण पे। बच्चा एक वस्तु का नाम है, लड़का एक वस्तु का नाम है, लड़की एक वस्तु का नाम है। हमने कहा था नारी नाम है, औरतों को कहते नारी, उससे बना था नारित्व। पुरुष एक वस्तु का नाम है, हमने कहा पुरुषत्व। सुन रहे हो? तो जब कभी आपको लगे कि ये किसी चीज का नाम है तो वो संज्ञा है, और अगर आपको लगे कि नहीं ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। सुन रहे हो? ये देखें विद्वान, अब विद्वान को कई बार हम जातिवाचक संज्ञा में गिन लेते हैं, लेकिन भैया ये विशेषता है। विद्वान हो गया, मूर्ख हो गया, चतुर हो गया, होशियार हो गया, बेईमान हो गया, ठीक है। अब देखो क्रिया से, क्रिया मिलना, क्रिया मेल, बैठना बैठक, पढ़ाना पढ़ाई, तो ये चीजें पढ़ चुके थे अपन। एक्चुअली हम बात कर रहे थे विशेषण की। ईमानदारी से हाथ उठाए कितने लोगों को विशेषण समझ में आया है? नहीं आया है? चल और देख लेते हैं अपन विशेषण में कहां थे और क्या चीजें रह गई हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत बारीकी से ही हम आपको बताएंगे। सार्वनामिक विशेषण पढ़ा चुके, ये भी पढ़ा चुके। देखो जरा प्राविशेषण, प्राविशेषण हम पढ़ा चुके कि जब कोई और विशेषता एडिशनल बताई जाए। विश्वजीत डरपोक लड़का है, विश्वजीत बड़ा डरपोक लड़का है। सुन रहे हो? अब कोई कह दे सर बताओ डरपोक में कौन सी संज्ञा है, तो भैया डरपोक किसी का नाम नहीं है दुनिया, डरपोक एक कंडीशन का नाम है। अब डरपोक से बना दो डरपोकता, भाववाचक संज्ञा। भाई सीधी बात, जो भावना बन जाए भाववाचक संज्ञा। तो कई बार प्रैक्टिकल कर लिया करो कि भैया ये चीज किसी का नाम है क्या नहीं है। समझ में आ रही बात? आप थोड़ा स्ट्रोंग रहो, आप वर्ड को पकड़ो। सुन रहे हो? देखें धीरे धीरे पढ़ता है विशेषता, लेकिन अभी क्रिया विशेषण में आएगा। क्रिया विशेषण अभी आज हमने आपको नहीं बोला, हमने संज्ञा की विशेषता बताई, हमने सर्वनाम की बताई, लेकिन हमने क्रिया की विशेषता। अरे क्लियर है? देखे सौरभ बहुत धीरे धीरे पढ़ता है, यहां आ गया प्राविशेषण। चलिए तो गहरा लाल कोट, कोट लाओ, गहरा लाल कोट लाओ, अब ये बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक बात और, अब आते हैं अपन मुद्दे की बात पर। तो अब मुद्दे की बात ये आती है कि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, इनके तीन धर्म होते हैं जिनके कारण ये अपना स्वभाव बदल लेते हैं। एक का नाम है लिंग, एक का नाम है वचन और एक का नाम है कारक, ठीक है। ये जैसे खाता खाती, ज्यादा लोग हैं तो खाते, ज्यादा लड़कियां हैं तो खाती, ये स्वरूप बदल लेते हैं। लेकिन स्वरूप कौन कौन बदलते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और कल हम देखेंगे एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण। क्या पढ़ेंगे? और क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो क्रिया की विशेषता बतलाए कि क्रिया कैसी हो रही, क्रिया अच्छी हो रही, क्रिया बुरी हो रही, क्रिया तेज हो रही, क्रिया धीमी हो रही, क्रिया लंबी हो रही, क्रिया छोटी हो रही। नहीं आ रही बात? समझो? आ रही है। लेकिन वो क्रिया कहां हो रही? क्रिया की विशेषता।
क्रिया ऊपर हो रही, क्रिया नीचे हो रही, क्रिया दाएं हो रही, क्रिया बाएं हो रही, क्रिया तेज हो रही, क्रिया धीमे हो रही, क्रिया कब हो रही, क्रिया कैसी हो रही, सुन रहे हो? और इसकी एक विशेषता है, ये क्रिया में एक विशेषता है, क्रिया में नहीं सॉरी क्रिया विशेषण में, कि इस पर लिंग का, वचन का और कारक का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जैसा है वैसा ही रहता। तो कर हम पढ़ेंगे क्या, क्रिया विशेषण, और इसके बाद हम पढ़ेंगे, जरा रुक जाइएगा, हम बता दें आपको कल कौन सी चीजें हैं, दो मिनट। हाँ, क्रिया विशेषण हमें पढ़ना है, लेकिन क्रिया विशेषण के पहले, चूंकि क्रिया विशेषण पढ़ने के पहले, अब देखो पढ़ना तो चाहिए रेगुलर, लेकिन हम अपने स्टेप इसलिए बनाते हैं, जैसे अभी हमने आपसे कहा कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पर लिंग का फर्क पड़ता है, वचन का फर्क पड़ता है और कारक का फर्क पड़ता है, लेकिन क्रिया विशेषण पर फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर हमें यह बताना है आपको, अब हमें पहली बात तो पढ़ना पड़ेगा लिंग और वचन, कारक हम थोड़ा सा एक स्टेप बात पढ़ेंगे कि आखिर क्या ऐसे शब्द हैं जो लड़कियों के शब्द में इस्तेमाल करे जाए तो खाती, जाती, आती, और वहीं पर लड़के जाते, खाते, एक लड़का है तो जाता, देखिए ना वर्ड कितना, लड़का आता है, बहुत लड़के आते हैं, लड़की आती है, लड़कियां हैं तो आती हैं। तो हम कल पहले पढ़ेंगे एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग और पुरलिंग। अच्छा, अब किताबें खरीदते हो सो उसमें लिखा रहता है खूब सारे नियम, या लगा देने से बहुवचन बन जाता है, इया लगा देने से ये बन जाता है, अय्या लगा देने से वो बन जाता है, ये सब फालतू, कहां तक रटोगे? आपको ये याद रखना है कि हमारा इंटेंशन क्या है, जो सेंटेंस लिखा है उसमें हम एक चीज की बात कर रहे हैं, या ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं? नहीं आ रही बात सुनने, तो जब लगे कि ये कई चीज की बात कर रहे और तो एक वचन, जब लगे कि नहीं ये तो सम्मान पूर्वक, ऐसा लगे बहुत से पिताजी आते हैं, अब भले पिताजी एक हैं लेकिन पिताजी आते हैं, ऐसा लगे जैसे बहुत सारे लोग, तो बहुवचन, तो पिताजी एक होते हुए भी बहुवचन, माताजी आ रही हैं बहुवचन, अप्राण उड़ गए, अप्राण है तो ये कई लेकिन उड़ गए बहुवचन, अपन कैसे इस्तेमाल करें? तो हम हमेशा प्रैक्टिकल सिखाएंगे, प्रैक्टिकल में ही सार है, सुन रहे हो? कई बार आता है, कल बहुत मजेदार चीजें आएंगी, जैसे मछली, अब बताओ मछली स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है? अब सुनना जरा, कई सारी चीजों की स्त्री, जैसे अपन पढ़ते हैं घोड़ा, अपन कहते नहीं घोड़ी, हाथी का हथनी, लेकिन कई सारी दुनिया में चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं, उनका पुरुष या स्त्रीलिंग अलग से नहीं होता, जैसे मछली, कभी नहीं मछला सुना होगा, सुना है? अब चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, मछली मछली ही होता है, और उसे इस्तेमाल भी ऐसे ही करते हैं, मछली तैर रही है, नहीं ये तो नहीं कहते देखो पहले पुरुष तो नहीं तो अपन कहेंगे भैया ये तो तैर रहा है, देखिए मगरमच्छ, अब मगरमच्छ तो उसकी पत्नी भी होती है, लेकिन मगरमच्छ नहीं सुना कि इस तालाब में दो मगरमच्छ नहीं है, दो मगरमच्छ है, जो तैर रहा है वो तैर रही है, तो कुछ चीजें यूनिवर्सल है कि अरे छिपकली, अब नर भी है मादा भी है लेकिन वो परमानेंट छिपकली है, छिपकली बैठी है, अब हम तो नहीं कहते कि पहले परमानेंट कर बैठा है क्या बैठी, नहीं हम परमानेंट कर दे, क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल है, मच्छर, अब मच्छरनी सुना कभी? नहीं सुना होगा, क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल है, हम उसी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, मच्छर बैठा है, मच्छर ने काट दिया, मच्छरनी काट गई, कभी नहीं सुना होगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं, वही एग्जाम में पूछी जाती है, समझ में आ रही बात? कल हम इसको पढ़ेंगे, कल हम आगे बात करेंगे। ओके तनु, अब शांत हो जाओ, ठीक निकल जाओ।
ओके साक्षी करा देंगे हम।